सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश रे दर्शक का स्वागत है। मैं भावना खबर की शुरुआत कर देश खबर तो। मानसून सेशन दा अज दसवां दिन भी हंगामा भरपूर रहा, पर ओबीसी अमेंडमेंट बिल दा समर्थन सारे विरोधी पक्षों वालों किया गया है। श्रोमणी अकाली दल दी संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने संसद विच बोलदे कहा कि खेती कानूनों उपर चर्चा ना करना सरकार की गलत नीति है। ते नाल ही उन्होंने कहा कि ओबीसी अमेंडमेंट बिल का स्वागत करते हैं, इस नाल सूबा सरकार के अधिकार वधणगे ते ओह अपनी मर्जी नाल पछड़े वर्गां नूं रिजर्वेशन दे सकणगे। जदों तो सत्र शुरू होया श्रोमणी अकाली दल ने लगातार एक ही मंग रखी है कि होर कोई बिजनेस की चर्चा करन तो पहले जिहड़े काले कृषि कानून के कारण किसानों की हत्या हो रही है पहली ओहदी चर्चा की जाए। लेकिन मैनू अफसोस है कि भावें ओहदी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि श्रोमणी अकाली दल हमेशा फैडरल स्ट्रक्चर की मजबूती वास्ते मोर पावर टू द स्टेट्स वास्ते लगातार श्रोमणी अकाली दल ने लड़ाई लड़ी है। हालांकि इतने ताई सार प्रकाश सिंह बादल जी ने 18 साल पोलिटिकल प्रिजन विच कैद कटी हैगी कि फैडरल स्ट्रक्चर नू मजबूत किया जाए ते स्टेटा नू वध अधिकार दिते जाए। अज मैं इस गल का स्वागत कर दिया कि 127 अमेंडमेंट बिल जेड़े लेके आ रही है, जिदे करके अज साडे अदर बैकवर्ड क्लासेस जिदे विच सरकारां नू अधिकार मिलूगा, जिदे नाल ओ ओबीसी लिस्ट विच उहनां वर्गां नू शामिल कर सकदे ने जिहड़े बिल्कुल पिछड़े ते लोड़मंद ने। जे मैं अपने सूबे दी गल करां ते अज इहदे शामिल होण दे नाल कई सारे लोकां दा पंजाब च ओबीसी विच जिन्हां नू जद रिजर्वेशन नौकरियां च मिलूगी, जद उहनां नू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच मिलूगी, ते फिर साडे पावे साडे सैनी होण, साडे सिख राजपूत होण, साडे सुनियार होण, कमोह होण, लुबाने होण, तरखान होण, रामगढ़िया, कुम्हार, प्रजापति होण, गुज्जर होण, तेली होण, बंजारे होण, लोहार होण, पाठ होण, अरियन होण, इन्हां सारियां नूं इस संशोधन दे आन दे नाल जद इन्हां नूं रिजर्वेशन मिलूगी ते मैं समझदी हां कि उन्हां वास्ते जद नौकरियां च ते एजुकेशन च जद उन्हां नूं रिजर्वेशन मिलूगी बहुत वड्डा बल मिलूगा कि सरकार आप अपने ओबीसी दी लिस्ट बना सकती है, जिदे करके असी इहदा स्वागत करते हैं। लेकिन इत्थे मैं सिर्फ इन्ना ही कहना चाहवांगी कि जे ये संशोधन हो सकता है, ये अधिकार मिल सकते ने, फिर जिहड़ी सरकार कहिंदी हैगी अज साडे जिहड़े लीड स्पीकर सीगे उहनां ने कहा सत्ता पक्ष दे कि 27 ओबीसी दे मंत्री बने ने। मैं तां सरकार तो कल्ला इन्ना ही पुछना चाहवांगी कि तुसी जाट ते जाट किन्ने क बनाए जां तुसी नवी एक्सपेंशन कीती है। अज तुसी कहंदे हो सब दा साथ, लेकिन जेड़े ओ सड़कां च बैठे होए ने उहनां दा साथ कौन दे रहा है? तुसी कहंदे हो सब दा विकास, ते फिर अज जो सड़कां च बैठे ने उहनां दा विकास दा की होया? अज पेट्रोल दी कीमतां कित्थे पहुंच गया, डीजल दी कीमतां कित्थे पहुंच गया ने, अज खादां दी कीमतां कित्थे पहुंच गया ने, हरेक चीज दी कीमत वध के वादा तां कीता सी इस सरकार ने 2022 तक किसान की आमदन नूं दुगना करनगे, लेकिन दुगना तां की कीता, सारी महंगाई नूं दुगना करके उन्हां दा बोझ चार गुना कर दिता है, ते फिर काले कानून ला के इन्हां दे ढिड च इन्हां दी आमदन च लत मारन दा भी काम कीता है, जिहदे करके लगातार इत्थे किसान दा अंदोलन चल रहा। अज तुसीं मैनूं कहा कि इहनूं हटा दिओ, मैनूं ऐलान दी लोड़ की पई है? क्योंकि इस सदन दा मंत्री कहिंदा कि किसानी अंदोलन विच किसे किसान दी मौत ही नहीं होई, ते आ जिहड़े शहीद होए ने इह कौन है? इन्हां दे घर च जाके कौन पुछूगा कि इह किस कारण इत्थे बैठे क्यों मरी जा रहे ने? अज कृषि कानूनां दे कारण जे तुसीं इह चर्चा कर सकदे हो ते फिर रोज जद किसे दी जान जा सकदी उह चर्चा क्यों नहीं हो सकदी? इस पक्ष नूं मैं पुछना चाहुंदी जिन्हां दी सब तों वड्डी गिनती है। अज होर बथेरी गल्लां हो सकदियां ने, सारा सत्र तुसीं खराब करता 3.5 हफ्ते कि तुसीं पेगासस जासूसी दी चर्चा करनी है। काश इन्हां ने अलाउ कीता होंदा कि जिहड़े दो मुद्दे मंग रहे ने विपक्ष, किसानी कानूनां दे संघर्ष करके अंदोलन जिहड़ा चलिया, जिहड़े किसान मर रहे ने, ते जिहड़ी तुसीं सरकार जासूसी कर रही है, अज उहदी चर्चा क्यों नहीं हो सकदी सी? क्योंकि इस सरकार च डिक्टेटरशिप कल्ला जिहड़ा आ चाहुंदे तां ही इह सरकार दी उह सदन चलदा है, उही चर्चा होंदी है, दूजी चर्चा नहीं हो सकदी। अज मैं बेनती करदी हां कि तुसीं जरूर ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਦਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਏ ਮਾਡਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਕਰੋ। 2022 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਥਾਣੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਲਖਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਖਨਪੁਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਲੈਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਸਰ ਨਲੈਕੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛਿੜਕਰੋ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ HP ਦੇ ਉੱਥੋਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ? ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾ ਕੀ ਆ? ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦੂਜੇ ਮੰਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਗਏ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਖਾਓ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ TV 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਪੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡ TV 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੈਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਹੀਕਲਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ,
गवर्नमेंट तो भी बसा जा रही ट्रक जा रहे हैं इन्हों के कोविड टेस्ट हो क्यों नहीं रोक देते जेड़े बंदे दूरों इन चल के आए हैं इन्ने निके निके बच्चे लेके आए हैं जनानियां आईया वे बंदे आए हैं यह दसो कि जेड़े पैदल आए हैं उन्होंने वास्ते कि दिक्कत है जो तुम यह काम किया ही है जो गवर्नमेंट ने रूल लागू किया ही चलो बंद नहीं भी पता जे पता होंगे तो तुम पिछले मंगोआ रोको हुशियारपुर रोको है बंदा अगे आ भी ना सर इन्ना बंदा टाइम अपना कड के आया तुम्हें पता अज की डेट तो टीके तो नहीं लगे हुआ नहीं सर मेरे टीका लगे मेन मुद्दा यही है जानकारी नहीं थी उन्होंने दोनों टीकों का सर्टिफिकेट देखना सर इस चीज़ की जो जानकारी होंगी तो अभी करवाते ही मेन मुद्दा यह सूँ इस चीज़ का पता ही नहीं पता हों घरों आते क्योंकि अद्धी डेट के जब तक कोविड लग्या हो उसके बाद किसी के वास्ते जी देखो टाइम है नहीं गा ना वो कमाइया रही ना वो पैसा रहा प्रशासन को मांग करनी चाहते मांग ये करना चाहते सर जे साडे वास्ते कानून हैगा बसों वाले वास्ते कानून नहीं पंजाब रोडवेज चलती पी है पन बस चलती पी है हिमाचल रोडवेज चलती पी है तेरा फ्रेंड चलती पी है हरेक बस चलती पी है सर कानून साडे वास्ते है आम जनता वास्ते कानून है। अगली खबर वाल रुख करते हैं। आजादी दिहाड़े तो पहला पंजाब च अतवादी गतिविधियां का खतरा वध गया है। पंजाब के सारे जिलों से पुलिस वालों सख्ती वधा दी गई है जिसनों लैके अज जलंधर के बस स्टैंड से पुलिस के वलों तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस विभाग के वलों डॉग स्क्वायड के नाल बस स्टैंड और उसके नाल लगदिया सारिया जगह पर तलाशी ली गई है। दस दें कि इस तो पहला पंजाब पुलिस ने एक वड्डी अतवादी कोशिश को नाकाम किया है। पुलिस ने सरहद पारों आने वाले एक खतरनाक बंब को अमृतसर तो बरामद किया है। यह बंब बच्चिया के टिफिन बॉक्स से मिलिया सी जिसका इस्तेमाल किसी वड्डे टारगेट को पूरा करने लिए किया जा सकता सी। इस वड्डी अतवादी कोशिश को नाकाम करने तो बाद पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता ने लोगों को सावधानी वरतन और अलर्ट रहने की अपील की है। इस नाल ही अगली खबर वाल रुख करते हैं। व्यापारियों के भारी इकट्ठ वालों समर्थन मिलने तो बाद किसान आगू चड़ूनी ने कहा कि पंजाब के लोग समझदार ने अते इस करके मिशन पंजाब की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि सारे वर्गों नाल लेके चलांगे इत्थे जाति जात धर्म कोई सवाल नहीं है मुद्दों के आधार से लड़ाई लड़ी जाएगी अते मिशन पंजाब फतेह किया जाएगा। हम धन्यवादी हैं पूरे देश के व्यापारियों के आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी प्रदेशों के व्यापारी इनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे हैं और मिशन पंजाब का जो हमने नारा दिया है उसका समर्थन इन्होंने किया है उसके लिए सभी व्यापारियों के धन्यवादी हैं। और उसके साथ साथ जो पंजाब के अंदर है हमारे रेशम जी हैं दलित समाज से हैं शालीमार जी हैं दलित समाज से हैं हमारी बहन एकांता लड़िया जी जो हरियाणा से हैं लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी है और हम इनको राष्ट्रीय उप प्रधान बनाया हुआ है और क्रिश्चियन कमेटी के पंजाब के प्रधान हैं। ये सब लोग मिशन पंजाब में साथ में होकर काम कर रहे हैं यानी मजदूर किसान व्यापारी दुकानदार ये सब इकट्ठे होके इनसे राज छीनेंगे जनता का राज करेंगे। क्रिश्चियन भाई साथ में है जनता का राज आएगा मुसलमान भाई साथ में वो भी अभी यहाँ पे आए थे नया जाति का और धर्म का कोई सवाल नहीं है यहाँ मुद्दों के आधार पे जो लड़ाई है वो उसको आगे लेके जाएंगे और मिशन पंजाब जो है वो जरूर कामयाब होगा ऐसे आसार हमें नज़र आ रहे हैं। और आज व्यापारियों ने जो समर्थन किया है वो एक बहुत ही बड़ी बात है बहुत ही धन्यवाद दिए व्यापारियों। इतने शोषित लोग हैं जिनका शोषण होता है जिनका बड़ी कंपनियां बड़े का या सरकार नेता उनका शोषण करते हैं वो सारे एक मंच पे आ रहे हैं चाहे उसमें मजदूर हैं चाहे उसमें व्यापारी हैं चाहे उसमें किसान हैं उसमें कोई और वर्ग है रेड़ी फड़ी वाला है उसमें कोई ट्रक वाला है कोई टैक्सी वाला है कोई कर्मचारी है जिनका शोषण होता है वो सारे लोग एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं। इसकी शुरुआत आज आप देख रहे हैं जब व्यापारी जो है पूरे देश के व्यापारी समर्थन कर रहे हैं दलित समाज ने हमारे कई प्रोग्राम करा लिए हैं क्रिश्चियन समाज साथ में है तो सब जुड़ रहे हैं एक जगह।
बीते दिन मोहाली च यूथ अकाली आगू विक्की मिडू खेड़ा का गोलियां मार के कतल कर दिता गया। जो साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजिठिया होर अकाली आगुआ नाल विक्की मिडू खेड़ा के घर पिंड मिडू खेड़ा विखे पहुंचे। उन्होंने विक्की मिडू खेड़ा के भरा अजयपाल सिंह ते होर परिवारिक मैंबर नाल दुख प्रगट किया। इस उपरंत पत्रकारों नाल गलबात करदिया बिक्रम सिंह मजिठिया ने कहा कि जेल च बैठे लोग गैंग चला रहे ने, पंजाब च अमन कानून के मामले च सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। मोहाली ते श्री अमृतसर साहब वर्गे वड्डे शहरां च जो घटनावां होईयां लोक उस नाल सहम रहे ने, सहम च ने। कांग्रेस सरकार गैंगस्टरां नूं सरप्रस्ती दे रही है, इसदे नतीजे सूबे लई माड़े निकलणगे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ते गैंगस्टरां नाल संबंधां दे दोष लाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरप्रस्ती च सब चल रहा है ते कांग्रेस इन्हां गैंगस्टरां नूं विधान सभा चोणां च वरतना चाहुंदी है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर दा टोटल कलैप्स है। जेल च बैठे लोग फरौतियां लै रहे हैं, ब्रॉड डेलाइट दिन दिहाड़े मर्डर करा रहे हैं, परिवारों के परिवार रोल रहे हैं, और सरकार ये बिल्कुल फेल हो गई है इस मामले नू सारे नू कंट्रोल कर। 15 अगस्त का दिन चढ़िया आउंदा और ये हाल सुरक्षा दे ने कि एडे मोहाली अर्गे शहर से ज कुछ अमृतसर होया अस्पताल के अंदर जाके तो सुरक्षित फिर है कौन? और लोग डरते दस नहीं रहे, मगर जिस तरीके की सल्तनत कांग्रेस ने सरप्रस्ती जो दिती है गैंगस्टरां नूं जेल च, उहदे करके बाहर जो ये सिस्टम चला रहे हैं उहदे बहुत खतरनाक नतीजे पंजाब दे वास्ते निकल सकदे, जिहदे लई सख्त तो सख्त कदम कर चक के इहनूं कंट्रोल करना चाहिए। कांग्रेस दे कैबिनेट मंत्री सिर्फ इन्ना कह के साड़ दिंदे, कहिंदे अमन कानून दी स्थिति सही नहीं, सुखी रंधावा कहिंदे पर नहीं। सुखी रंधावा तां इन्हां सारिआं दा माई बाप है जी, मुख्तियार अंसारी नूं कादे लई लै के आए सी? एक झूठे जे फजूल दे परचे च उहनूं चक के इत्थे लिआए, जिस केस च लिआ के अंसारी नूं इत्थे रख्या उह केस च तां उहदा नौं तक वी नहीं सी, उह तां कहा सी इक अंसारी है। और तुसीं वेख्या ही है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो बाद उहदी वापसी हुई है, ये तो उन्होंने VIP ट्रीटमेंट दे रहे थे। इस तरह 44 परचे जग्गू भगवान वर्गे पुरियां वर्गे तो है, उन्होंने किवें जाके दिल्ली छड़ता? 44 परचे इत्थे, दिल्ली एक परचा, ये सारा कुछ बहुत प्लैंड तरीके नाल चल रहा है, क्योंकि ये सारिआं नूं इन्हां नूं ये कांग्रेस आप दे फायदे लिए इलैक्शनां च वरतना चाहुंदी। इस नाल ही अगली खबर वल वधदे हां। टोक्यो ओलंपिक विच नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मैडल जीत के भारत का नाम रोशन किया। इस दे नाल ही भारत का गोल्ड मैडल जीतने का सुपना भी पूरा होया। दस दिए कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो विच गोल्ड जीतया है। उसकी इस प्राप्ति उत्ते पूरा देश मान कर रहा है ते जश्न मना रहा है। ओलंपिक्स विच मल्ला मारन वाले खिडारियों का कल दिल्ली एयरपोर्ट से पहुंचण समय जोरदार स्वागत किया गया। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि ते उसके परिवार की कहना है तुसी भी सुनो। मुझे अपने पोते पर गर्व है, उन्होंने मेहनत की, परिश्रम खूब किया, और मेरे बेटों ने भी उसके ऊपर जी जान से कोशिश करी भाई निकलेगा, और उसको बढ़िया सपोर्ट दी, जिसके कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। खेत में तो हमने उससे कोई काम करवाया नहीं, वो छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था, स्कूल से अपने ग्राउंड जाना शुरू कर दिया उसने, तो खेत का तो उसका काम नहीं था कोई भी, उसको कोई काम नहीं करवाते थे, तो खाली या खेल लो या पढ़ो या अपने घर पर हो। तो ग्राउंड में जाना शुरू कराया उस टाइम उसने, तो उसको टाइम में नहीं था भाई खेत में कोई काम करेगा, आज तक उससे खेती का कोई काम नहीं करवाया। 18 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था उन्हें, तो हमने तो पता ही नहीं था, अपने दोस्तों के साथ वहाँ खेलना शुरू किया पानीपत शिवाजी स्टेडियम के अंदर। वैसे तो अटकट्टा था, जिम के अंदर भेजा पहले भाई उसका शरीर ठीक रहे, मेंटेन रहे, तो वहाँ उसके दूसरे दोस्त नज़दीक की उसके वो था जिम, दूसरी साइड वो था, वो उनको खेलते देखता जिम में घंटा आध घंटा लगा के, फिर वो खेल देखता था उनके, फिर वो भी उनके साथ ऐसे ऐसे दोस्ती बंद की और उसने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक जयवीर गांव बिंजल का लड़का था, वो भी उसका दोस्त बन गया, सीनियर था वो, जैवलिन थ्रोवर था, तो उसने उसको सिखाया भाई तेरे में चौखा ताकत दिक्कत हो, जैवलिन थ्रो कर देख
तो उसने उसको बताना शुरू करया, तो ऐसे वहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी। फिर अच्छा खेला और वहाँ से मेरे से साल दो साल रह के फिर वो पंचकूला चले गया, तो पंचकूला उसको अच्छा कोच और भी ज़्यादा मिला, नसीम अहमद वो उसका कोच रहा कुरुक्षेत्र। तो वहाँ पर उसने कोचिंग ली, वहीं पर उसने एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई पूरी करी और पंचकूला ही खेला। परिवार में जो रिश्तों की ट्यूनिंग है वो सबकी गहरी है, और ख़ासकर नीरज के साथ तो बचपन से ही अटैचमेंट सभी की ज़्यादा रही है, तो उसमें शायद उसके मम्मी पापा की कम हो सकती है चाचे और चाचियों की अपेक्षा, या तो इस परिवार में नीरज के लिए ज़्यादा प्यार दादा दादी का रहा है या फिर चाचे और चाचियों का रहा है। परिवारों में ज़्यादा रहते थे हम लोगों की, अभी कोशिश है कि हम लोग बने रहें परमात्मा, क्योंकि एक जो संघर्ष का दौर था जब भी तब भी संयुक्त बने रहे थे, और आज नीरज ने इतना बेहतर समय दिया है, एक बिल्कुल चेंज कर दिया उस समय में और आज के समय में। तो परमात्मा से दुआ करते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी है इसी तरह बीत जाए, आगे बच्चे देखेंगे किस तरह से रहना चाहेंगे। नीरज की कैरियर की भविष्य की ना शुरुआत हुई है, अभी नीरज की उम्र मात्र 23 साल है, और नीरज हमारे साथ उस संघर्ष में से ना होके निकला है जो बहुत कम बच्चे महसूस करते हैं पेरेंट्स के साथ रह के। तो अभी नीरज का खुद का भी एक गोल है कि वो देश को ना ओलंपिक में रिप्रेजेंट ना अभी कई बार करे, वो एक ही बार गर्वित करने का उसका टारगेट नहीं है, उसको पता है कि उसके पास अभी कम से कम 2 से 3 ओलंपिक खेलने का एक बढ़िया चांस है और वो उसको मिस नहीं करेगा। तेसी हुण तक दियां खास खबरां, विदेरे जानकारी लई जुड़े रहो दैनिक सवेरा दे नाल। मानसून सैशन दा 10वां दिन भी रहा हंगामा भरपूर, हरसिमरत कौर बादल ने खेती बिलां ते घेरी सरकार। माता चिंतपुर्णी जाण वाले श्रद्धालु बार्डर तो मुड़ रहे वापस, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट मंग रहा प्रशासन। 15 अगस्त तो पहला पंजाब भर च अतवादी गतिविधियां नूं लैके अलर्ट जारी, जगह जगह ते पुलिस दी होई छापेमारी।